प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या हो रहा है हाँ? ये कोई जगह ये सब करने की? आंगन में जाओ और करो ये सब कसरत। कुसुम अरे जल्दी कर, बस मिस हो जाएगी बेटा। मैं दे रही हूँ ना, पहले आरती लो। अरे कुसुम बेटा, अगर तुम तैयार हो गई हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। कुसुम और कितनी देर लगाओगी? अगर 8:20 की बस मिस हो गई ना तो दूसरी बस पूरे आधे घंटे के बाद मिलेगी। अरे सुन रहे ना, जल्दी करना। हे गणपति पापा, आज भी मैं आपसे वही मांगूंगी जो हमेशा से मांगती आ रही हूं। मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा खुश रहूंगी। और प्लीज आज मेरी बस ना मिस हो गई, मैं फिर से वो नालेजों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। देर हो रही है, जल्दी प्रसाद दो। हाँ लो। अच्छा ही, मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक, तेरे ससुराल वालों के यहाँ से फोन आया था, तेरी ननन ममता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शाम को तुम्हें वहाँ बुलाया। जाओगी ना? अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दीदी शादी से पहले ही ससुराल जाएगी। तो इसमें हर्ज क्या है? अरे उन्होंने इतने इज्जत से बुलाया है तो तुम्हारे बाबा मना नहीं कर पाए, कहा कि हमारी कुसुम पहुँच जाएगी। जाएगी ना? अरे क्या सोच रही है? आई मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मेरी राय वाकई में उनके लिए इतनी अहमियत रखती है। हाँ हाँ, तभी तो बुलाया है। अच्छा है, मुझे बहुत देर हो रही, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अरे रुक, लंच में भूखा ही रहना है क्या? मैं टिफिन लेकर आती हूँ। आई टिफिन विफिन जाने तो बहुत देर हो रही है। बस अभी आई। अच्छा मैं जा रही हूँ फिर। आई जल्दी करो। आई मैं आपको छोड़ देता हूँ यार, आज तो मेरे पास बाइक भी है। बाइक? किसकी बाइक लेकर आया तू? राजेश की? ना बाबा ना, पिछली बार की तरह अगर बाइक पंचर हो गई तो पंचर के भी पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे और ऑफिस के लिए देर भी हो जाएगी। ना बाबा ना, मेरी बस ही ठीक है। आई जल्दी करो ना, आई देर हो रही है। बस यही रहा तेरा, लो। अच्छा आई मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। अरे लो ये साड़ी लेकर जाना। ये क्या आई? पहली बार ससुराल जा रही है ना, साड़ी पहन कर जाना। पर आई कहाँ रखूंगी मैं? अभी तो पर्स में रख, शाम को ऑफिस में चेंज कर लेना। ठीक है, बाय बाय बाय। ये देखिए ना क्या है, मुझे देर हो रही है। ये ड्रेस ना मैंने खास आपके लिए पसंद करके रखी। आप रे, ये फिगर। दीदी आप मॉडल की फिगर पे ध्यान मत दीजिए, बस इसमें इस दो तीन टाके लगाने पड़ेंगे, ये ड्रेस आपको भी आ जाएगी। सफर मैं मॉडल की फिगर की बात कर रही हूँ, 15,000 की ड्रेस है ये, 3 महीने की सैलरी। ना बाबा ना, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ड्रेस, मैं जा रही हूँ। अब क्या है दीदी, ये लो ना ये पहनो। आज पहली बार ससुराल जाने वाली हो ना, तो जो साड़ी तुम पहनोगी उसके साथ इस घड़ी का स्टार बिल्कुल मैच करेगा, बहुत अच्छी लगेगी। ओके ठीक है, बाय। नहीं हाँ ठीक है बाबा, ठीक है बाय बाय। ज्योति क्या हुआ? ज्योति क्यों रो रही है तू? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मेरा इंटरव्यू है ना दीदी, मैंने आज फिर से बहुत बहुत बुरा सपना देखा, देखा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बताओ ना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तू क्यों डरती है? हाँ मैं हूँ ना तेरे साथ, और तेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है? तू इतनी अच्छी है, खुद पे विश्वास रखेगी तो जिंदगी के सारे इंटरव्यूज में पास हो जाएगी। और तू आई की बात मान, राम रक्षा मंत्र पर, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।
मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं जाऊं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ऐसी कोई बात नहीं, उनकी बहन को देखने कोई लड़का आ रहा है, वो मेरी राय चाहती है। ओहो, प्रोग्रेसिव फैमिली है, लेकिन अनरोमांटिक। एक्सक्यूज मी, हेलो, कुसुम देशमुख से बात कर सकता हूँ? जी आप? जी मैं प्रकाश चित्र बोल रहा हूँ। जी मैं कुसुम ही बोल रही हूँ। कुसुम, तो आज मैं तुम्हें लेने। जी मैं जानती हूँ, जब से ये बात सुनी है मैंने, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है, बस शाम का ही इंतजार है, कब शाम हो और मैं कब आपको मिलूं। जी यकीन मानिए, जब से आपको देखा है बस आप ही को याद कर रही हूँ। आप भी मुझे याद करते हैं ना? हाँ, क्या सोचते हैं आप हमारे बारे में? वो मैं अरे प्रकाश जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं कुसुम नहीं, कुसुम की दोस्त बोल रही हूँ। शर्मिला, एक मिनट, कुसुम को फोन देती हूँ। कुसुम, उनका फोन है। तू भी ना। हेलो, हाँ सॉरी, वो मेरी फ्रेंड शर्मिला थी। कुसुम, शाम को आ रही हूँ। हाँ, तुम्हारे दफ्तर के पास जो उत्सव रेस्टोरेंट है, वहां शाम को 6 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। बाय। सोनाली, क्या है आई? मैंने तुझे धनिया लाने के लिए कहा था ना, लाई? सॉरी आई, मैं लाना भूल गई। एक चीज तुझे याद नहीं रहती, जाए जल्दी से लेकर आ। मैं खुद लेकर आऊं? और नहीं तो क्या, दिन में 10 बार ऊपर नीचे करती है, जब कोई काम मैं बताती हूँ तो क्या हो जाता है तुझे? जा। यश, यश भैया। अब उससे क्यों बुला रही है? अपना काम दूसरे से करवाने की तेरी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या है, क्यों चला रही है तू? यश भैया। यश भैया, क्या बात है, तुझे बुखार उखार तो नहीं हो गया? ये यश भैया कैसे? हाँ, काय? तो एक काम करो, नीचे से जाकर धनिया ले आओ। अच्छा, इसलिए आज यश भैया हो रहा है? प्लीज यश भैया, तुम कितने क्यूट हो ना। ठीक है ले आता हूँ, लेकिन इसके लिए नीचे जाने की क्या जरूरत है, हमारी पड़ोसन सरिता आंटी किस दिन काम आएंगी। यश, ये दूसरों से चीजें मांगने की आदत मुझे पसंद नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वो जो रोज के रोज आटा चीनी तेल ले जाती है, उसका क्या? हाँ ले जाती है, वापस कभी नहीं करती। लेकिन मांगने का भी एक स्टाइल होता है। अच्छा, तुमको वो स्टाइल आता है? तो एक काम करो, उनके घर जाओ और वो नई नेल पॉलिश लाई है, वो जरा उनसे मांग कर ले आओ। देखो ना, मेरे नेल से पॉलिश छूट रही है। यश अब बहुत हो गया, जाओ ना जल्दी से लेकर आओ, इनके आने का समय हो गया, जाओ। ओके। लगता है वो आ गए, जा दरवाजा खोलो, जा। आई थी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? बाबा जब तक हाथ मुंह धोएंगे, भैया धनिया ले आएगा। शशांक की याद आई, उसे मेरे हाथ के पोहे इतने अच्छे लगते थे, जब भी मैं पोहे बनाती थी प्लेट लेकर यहाँ चूल्हे के पास खड़ा होता था। कितने दिन हो गए उसके मुंह से पोहे की तारीफ नहीं सुनी। आए, देखो कौन आया है। कैसी आई तुमची तबीयत? आई मी ठीक है गो, पर ये अभी किसी भी समय आ जाएंगे। वो आई, इनके कुछ दोस्त आने वाले हैं दावत पर, हमारे नए घर की खुशी में, और क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि खाना डिनर सेट में ही परोसना अच्छा लगेगा। आई, अगर आप दे दें तो मैं कल सुबह तक लौटा दूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ जल्दी से डिनर सेट निकाल कर दो। लेकिन बेटा तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाती, अभी तो इनके आने का समय हो गया है ना। वो
आई इनका फोन कुछ देर पहले ही आया था। बस किसी सफाई की जरूरत नहीं है मुझे। बाबा कशी आए दिखावे की कोई जरूरत नहीं। क्या चाहिए इसे इस घर से अब? बाबा आप मुझ पर क्यों बिगड़ते हैं? मैंने तो बहुत कोशिश की थी इन्हें समझाने की। सुमित्रा इससे कहो कि किसी के बारे में मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोष मेरा नहीं था बाबा, आपके बेटे ने आपका घर छोड़ा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी शादी के बाद बेटा अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ता है तो दोष हमेशा उसकी पत्नी को दिया जाता है। आई प्रियंका, तुम्हें यहाँ डिनर सेट लाने के लिए भेजा था या गप्पे लड़ाने के लिए? सुमित्रा ये किस डिनर सेट की बात कर रहा है? प्रियंका इनसे कह दो कि तुम्हारे मायके से जो डिनर सेट आया था वही लेने आए हैं। सोनाली ले जाओ इसे, वैसे भी हमारे ये कुछ काम का नहीं है तुम्हारी तरह। प्रियंका चलो, प्रियंका चलो। कुसुम ये फाइल कंप्लीट करो आज ही। लेकिन सर ऑफिस का टाइम तो। आई नो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया जाएगा, सो ओवर टाइम कर लो, लेकिन ये काम आज के आज खत्म हो जाना चाहिए। माइंड यू सर आज मुझे मेरे मंगेतर के साथ जाना है। देखो मैं कोई बहाने सुनना नहीं चाहता। याद है जब तुम्हें लोन चाहिए था तब तुमने कैसे रिक्वेस्ट किया था, और अब मैं जरा सा ओवर टाइम करने के लिए क्या कर रहा हूँ, बहाने बना रही हो? सर, I request you, मैं कल सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। ये काम आज के आज ही खत्म हो जाना चाहिए कुसुम, वरना मुझे तुम्हें नोटिस देनी पड़ेगी। सर यू मे गो नाउ। क्या हुआ कुसुम? ओवर टाइम करने को कहा है, ये फाइल कंप्लीट करनी है। अब तो मैं नहीं जा सकूंगी, मैं तो फंस चुकी हूँ। वैसे भी 6:45 बज चुके हैं, प्रकाश ऑफिस से निकल चुके होंगे। लेकिन प्रकाश के घर वाले क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? नौकरी की अहमियत भी मेरे लिए उतनी है ना। तुम मेरे काम करेगी? बोलना कुसुम, उत्सव रेस्टोरेंट के बाहर वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज ऑनली भैया ने कह देना कि मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है। तू नहीं पहचानती है ना, एंगेजमेंट में मिले थे ना। डोंट वरी मैं बता दूंगी। प्लीज अब मैं चलूं? ओके बाय बाय। तो तुमने अब तक उन लोगों से रिश्ता कायम रखा हुआ है? दरवाजे पे आए हुए अजनबी को भी नहीं लौटाते, वो तो हमारी बहू है, इस घर की बहू। वो हमारी बहू नहीं है। अगर वो इस घर में रहती तो हमारी बहू होती, कोई रिश्ता नहीं है हमारा उसके साथ। बड़े बेटे की दहाता है, कहने भर से रिश्ता नहीं टूटता। उसकी तरफदारी करना बंद करो तुम। बेटा कहती हो तुम उसे? बेटा? अरे जिस बेटे को अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, जिसे अपने बाप के साथ अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी को उठाना चाहिए था, क्या किया? अपने पैरों पर खड़ा होते ही अपना चूल्हा अलग कर लिया, उसे पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, इसके लिए जो उसे करना चाहिए था उसकी बहन कुसुम कर रही है।
हेलो, मैं बोल रही हूँ कुसुम। हाँ बोलो। शर्मिला ने आपको मेरा मैसेज दिया ना? हाँ। मेरा काम अभी खत्म हो गया है, आप कह रहे थे मैं आ जाऊँ? नहीं, 6 बजे लड़के वाले आए थे, अब 9 बज चुके हैं, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, कुछ बोल तो सही, क्यों नहीं आया प्रकाश तुझे छोड़ने? मैं वहां नहीं जा पाई। लेकिन क्यों? आज ऑफिस में उसे ओवरटाइम करना पड़ा। बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें बहुत जरूरी काम है? बाबा, मैनेजर ने मना कर दिया, ऑफिस से जो लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाई, बस वही बात को लेकर बैठ गया। अब अगर प्रकाश के घर वाले बुरा मान गए तो? मैं प्रकाश को फोन कर देता हूँ। हेलो बेटा, मैं विश्वनाथ देशमुख बोल रहा हूँ, कुसुम का पिता। नमस्ते बाबा। लड़के वालों ने ममता को पसंद कर लिया है, शादी तय हो गई है। बधाई हो बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी, अगर कुसुम भी वक्त पर आ जाती तो वो भी इस खुशी में शामिल हो सकती थी, लेकिन खैर मैं अभी आता हूँ आपके घर। मुझे कुसुम से कुछ जरूरी बात भी करनी है। आई, बाबा ने बताया कि उन्होंने प्रकाश से बात की। प्रकाश बहुत अपसेट था। आई, इसमें मेरा क्या कसूर है? आई, तू प्रकाश के बारे में गलत सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं आई, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है। एक तो मेरी बस मिस हो गई, ऊपर से मैं ऑफिस लेट पहुंची, मैनेजर से डांट खानी पड़ी, उस मैनेजर ने लोन की बात छेड़ी और ऑफिस में ओवरटाइम करने के लिए कहा, इसी वजह से मैं प्रकाश के घर नहीं जा पाई। देख बेटा, प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे सबके सामने कहा कि आई मुझे दहेज नहीं अच्छा जीवन साथी चाहिए। अरे उसके जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं चिंता कैसे नहीं करूं आई, मेरी जाने के बाद आप लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आई, मैं इस घर की बेटी नहीं, बेटा बन के रहना चाहती हूँ। इस घर को मेरी जरूरत है, मुझे इस घर की, मैं आप लोग को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ आई?
लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। देख बेटा, हम औरतों की जिंदगी कसौटी होती है, और फिर तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, है ना? देखना हमारे नसीब में कहाँ आए। सपने तो तब देखे जाते हैं जब नींद आती है, और नींद तब आती है जब सपने पूरे होते हैं। हमारी हकीकत ही हमारा सपना है। मैं आज में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि कल हमारे बस में नहीं। एक ही रास्ता है जिस पे चल रहा।